नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आदमपुर में विधान उपचुनाव जीतने के बाद भव्य बिश्नोई की ओर से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आदमपुर की जनता ने राजनीति करने वालों को सबक सिखाया। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा की खाट जनता खड़ी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भव्य बिश्नोई ने तमाम बातें कही हैं। आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार भव्य बिश्नोई की प्रेस वार्ता और कहा कि राजनीति करने वालों को सबक मिला है। आदमपुर की जनता ने सबक सिखाया है। 2024 में हुड्डा की खाट खड़ी करेगी जनता। कि आदमपुर का जो चुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के आम चुनाव का, और जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, दूसरी बार पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें शेरिया राणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के चुनाव में आपने देखा, जिस प्रकार से हुड्डा साहब उनके लड़के एजेंडा देख करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसने किस तरह से वो जीते, तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने हमको धूल चटाने का काम किया। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी, और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साथ होने वाला है। काउंटिंग सेंटर के बाद जयपुर ने लिया कि उन्होंने किया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आदमपुर की जनता सभ्य है और चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थक बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं। हिंसा की अगर हम बात करें तो हुड्डा साहब से अगर हम हिंसा के साथ उनका नाम जोड़ूँ तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अशोक तंवर जी को जमकर पिटाई लोगों ने की, और उसके बाद जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें जिस प्रकार से उन्होंने बाहर जाने का काम किया, गुंडागर्दी में जाने का काम किया, और सभ्यता की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें, तो ये दोनों शब्द से जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में ग्रीन ब्रिगेड का सरदार होने के नाते उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में आतंक जाने का काम किया। और भव्य बिश्नोई को आपने सुना, तमाम बातों को रखते हुए किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना उनकी ओर से साधा गया। 2024 में जनता उनकी खाट खड़ी कर देगी। जनता ने राजनीति करने वालों को सबक सिखाया। दरअसल आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद पहली दफा उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई। तमाम सवालों का जवाब देते हुए नव निर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई, मेरी जीत चौधरी भजनलाल और सीएम को समर्पित है, आदमपुर का विकास प्राथमिकता है। इसके अलावा और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो भी आपको सुनाया गया। बड़ी जानकारी हिसार से आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई ने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद, यानी विधायक बनने के बाद, और निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दो लोगों की पार्टी करार दिया। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। विकास को लेकर बात करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि विकास प्राथमिकता है।